Mr. Kamalnath, after landing in Gwalior, is now on his way to Datia. It's an important battle for him, and he will now be campaigning in the constituency of the current Chief Minister Narottam Mishra. Kamalnath ji, सबसे पहला सवाल, आप इतने चुनाव आपने लड़े हैं, लड़ाए हैं और ज्यादातर चुनाव जीते हैं, जब यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2018 में के चुनाव से बस 4 महीने पहले आपको मध्य प्रदेश का कमान दिया गया, फिर आपने 2018 का चुनाव जीता, 2023 का चुनाव आपके लिए कितना अहम है? हर चुनाव का अपना महत्व होता है। आज प्रश्न कांग्रेस की चुनाव जीतने का नहीं है, आज प्रश्न मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मैंने 44 साल चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। हर चुनाव का अपना मायने होता है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा, केवल एक कैंडिडेट या एक पार्टी का प्रश्न नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि ये अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। 15 महीने के मुख्यमंत्री आप, शिवराज सिंह चौहान 18 साल के मुख्यमंत्री, 15 महीने का आपका खुद का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने जो आंकड़े दिखाए हैं वो जरूर ये बता रहे हैं कि आपके काम से बहुत खुश थे। मेरे पास 15 महीने की तो सरकार थी, पर 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया और मध्य प्रदेश की गवाह की जनता गवाह है कि 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में हमने माफ किया है। बिजली दी 100 रुपये 100 यूनिट, हमने पेंशन बढ़ाई, मैंने गौशाला बनाए, 1000 गौशाला जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बने मैंने बनवाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। मध्य प्रदेश की जनता आपकी गवाह है, लेकिन ये बताएं कमलनाथ जी, इस बार कांग्रेस जो एक फॉर्मूला लेकर के आगे बढ़ रही है, वो फॉर्मूला साफ तौर पे ये दिख रहा है कि आप गारंटी और महिलाओं के तरफ जा रहे हैं। महिलाओं पर हमेशा हमारा फोकस रहा है और हम चाहते हैं कि हर परिवार में उनकी क्रय शक्ति बढ़े, उनकी खरीदने की ताकत बढ़े और महिला सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसीलिए महिलाओं के लिए हमने कहा है अपने वचन में कि हम उनको 1500 रुपये महीने देंगे, उनको गैस सिलेंडर में राहत देंगे, क्योंकि ये एक महिला की बात नहीं है, महिला परिवार की रक्षक है। तो उस आधार पर हमने महिलाओं के लिए ये योजना बनाई। मेरा आपका सवाल ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां अभी आप जा रहे हैं उसकी क्या खासियत है, और 15 महीने के बाद जब आपकी सरकार गिरी तो आपने मध्य प्रदेश को क्यों नहीं छोड़ा? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री आप थे, लेकिन फिर भी आप लगे रहे, वहां पर काम करते रहे, आपने भोपाल को अपना बेस बना लिया, दिल्ली भी नहीं आए इतने साल तक। मेरा हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि अचीवमेंट और फुलफिलमेंट में अंतर होता है। मैं फुलफिलमेंट, मेरा ऑब्जेक्टिव है फुलफिलमेंट। तो सरकार गई वो तो अचीवमेंट था, मैं मुख्यमंत्री था, पर प्रश्न था फुलफिलमेंट का। तो आज के दिन मैं उसी फुलफिलमेंट की ओर बढ़ रहा हूँ और आज जो हम जा रहे हैं दतिया, ये मध्य प्रदेश की अत्याचार और भ्रष्टाचार की राजधानी है। यहाँ लोग गुलाम हैं और मेरा उनको संदेश होगा कि ये मौका है कि वो इस गुलामी से बाहर आए।